बांदक बिसिंडा थाना के ग्राम बिसिंडी में शिवमंगल और उसके बेटे भवन यादव में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बेटे ने पिता के ऊपर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। चीख पुकार सुन दूसरा बेटा जब पिता को बचाने पहुंचा तो बड़े बेटे ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया और दोनों को लहूलुहान हालात में छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई। मेरा पिता है, वो मेरा भाई है और ये मेरा भतीजा है। लड़ाई जमीन हमारी जो है कब्जा की है, राम मोहन जो मारा है, राम मोहन भाई है, हाँ बड़ा, हाँ वही कब्जा किए है खेत को, बाबा का हिस्सा लिए, हमारा जो बकरी है बकरी में कब्जा किए है और इसी में मारते हैं पीटता है निकालता है। आज जा रहे थे धान लेने, हाँ तिनको टीक लिया सब, हाँ। सभी लोग उसका दो लड़के वो हो गया, तिनको रास्ते में रोक करके मारपीट किया। घटना ये हुई है तो बाबा की जमीन छीन लिया, किसने? बाबा का घर छीन लिया, मेरा बाप राम भवन छीन लिया, बोला मैं नहीं दूंगा जबरदस्ती में। और जब बाबा जाता है तो चौकी वाले भगा देते हैं हड़काहुल को के। जब हमने एप्लीकेशन देने के लिए गए, मुझे भी नहीं रहने दे रहा, हमको भी दो तीन बार निकाल दिया मार मार के, डेढ़ साल से परेशान हूँ मैं। मारपीट के केस आए मैं से, इसमें से एक मुन्ना और एक शिव प्रकाश नाम का है, इसमें से जो शिव प्रकाश नाम के आदमी है इसकी हालत बहुत गंभीर है, इसको प्राथमिक उपचार के बाद बाहर के लिए।